इस ग्राम के आस पड़ोस के बेगूसराय जिले के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, बहनों और भाइयों, कुछ बहनें भी पीछे दिखाई दे रही हैं, ऊपर भी दिखाई दे रही हैं, आपको विशेष रूप से प्रणाम। और जिन साथियों को मैंने अभी माला पहनाई है, मैं संशोधन करता हूं उनसे, मैं वोट की मांग नहीं कर रहा हूं, वोट तो देंगे ही देंगे, आपसे कह रहा हूं कि अगले 5 दिन सोना नहीं है, दिन रात काम करना है कन्हैया की जीत के लिए। सब मतलब हुआ माला का, नहीं तो क्या मतलब हुआ। साथियों, जैसा हमारे मित्र ने कहा कि देश भर से लोग बेगूसराय क्यों आ रहे हैं, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, पिछले 4-5 साल से देश के कोने कोने में घूम रहा हूं, गांव गांव घूमता हूं, जहां किसान की समस्या होती है वहां जाता हूं, सुनता हूं। वैसे हमारी पार्टी है लेकिन पार्टी कहीं चुनाव नहीं लड़ रही, हमारा कोई गठजोड़ नहीं है, और मैं अपने संस्कार से कम्युनिस्ट नहीं हूं, मैं समाजवादी परंपरा से आया हूं। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं? मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि दुनिया की हर बड़ी लड़ाई का एक अपना रणक्षेत्र होता है। जब धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ तो वो कुरुक्षेत्र के मैदान पे हुआ, जब अंग्रेजों का भारतीयों से युद्ध हुआ तो बंगाल का एक छोटा सा गांव था प्लासी, वहां पे हुआ। 1977 में इस देश का लोकतंत्र बचेगा या नहीं, उसकी लड़ाई उत्तर प्रदेश के एक छोटी सी जगह अमेठी में हुई, जहां संजय गांधी को हरा के इस देश के लोगों ने दिखाया कि लोकतंत्र जिंदा है और रह सकता है। और आज 2019 के चुनाव में जब इस देश के भविष्य का फैसला होना है, भारत किस दिशा में जाएगा उसका फैसला होना है, तो ये जो कुरुक्षेत्र है उसका रणक्षेत्र बेगूसराय। जैसा मैंने कहा, पिछले 4-5 साल से मैं देश के कोने कोने में गांव देहात में घूम रहा हूं, किसानों के बीच घूम रहा हूं, मुझे कई किसान यहां नजर आ रहे हैं, किसान परिवार के साथ ही नजर आ रहे हैं। मैं आपसे साधारण बातें पूछता हूं, चुनाव का मतलब है जवाब दो, हिसाब दो, 5 साल हो गए, बताओ क्या किया तुमने, 5 साल में अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया भाई, 5 साल और लेके जाओ, और अगर नहीं किया तो कान पकड़ो बाहर करो, ये मौका। तो मैं आपसे पूछता हूं, मैं मेरे मूल्यांकन की बात आप छोड़ दीजिए, मोदी जी की सरकार कहती है कि उसने किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम दे दिया। अपने यहां क्या मकई की फसल होती है, मकई गेहूं होती है, चलिए मकई की बात कर लेते हैं। मकई की फसल में यहां बैठे हुए किसान बताएं, आंदोलनकारी नेता ना बोले, किसान बताएं आपको मकई में कितना दाम मिला, क्या भाव मिला मकई का, बताइए बताइए। अभी मकई नहीं कटा है, अभी नहीं, पिछले बार का पूछ रहा हूं, 1100 किसी ने बोला, 900 से स्टार्ट हुआ था, 1000 900, 1000, 1500, 1100, ठीक है, 1050, 900, 1000, 1050, 1100 से ऊपर किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। आपको पता है मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी और इनके कृषि मंत्री ने संसद में खड़े होके कहा है कि मकई का दाम किसान को 1700 रुपया मिल गया। अब बताइए किसी को मिला 1700, सरकार कहती है न्यूनतम समर्थन मूल्य 1700 है मकई का, और ये खड़े होके संसद में छाती ठोक के कहते हैं कि इस देश के हर किसान को हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवा दिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब सरकार किसान को कहती है कि भाई तुम खेत में बीज ना जा रहे हो, अपनी फसल उगाओ, ज्यादा पैसा मिले बहुत खुशी की बात है, घर लेके जाओ, घर परिवार का थोड़ा काम चलाओ, लेकिन अगर तुम्हें
1700 से कम मिले तो मेरे पास आ जाना, इतनी तो मैं गारंटी दे रहा हूं। यह मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य का। और यहां मैं देख रहा हूं अपने शालिग्रामी में एक किसान नहीं है, एक भी हो तो मुझे बता देना भाई हाथ खड़ा करके, एक किसान नहीं है जिसको 1700 रुपया मिला हो। मिला किसी को? आपने सुना किसी को मिला हो? चलो खुद ना मिला, किसी पड़ोसी को मिल गया हो, पट्टीदारी में रिश्तेदार में किसी को मिला हो, मिला हो 1700 रुपया बोलते हैं, एक झूठ। दूसरा, मोदी जी कहते हैं, संसद में कहते हैं, हर किसान के खाते में हमने 2000 रुपए की किस्त भेज दी है। एक तो मिल चुकी है, दूसरी 2000 की किस्त लगभग पहुंच गई है ज्यादातर किसानों के पास, तीसरी किस्त हम भेजने वाले हैं। अब यहां कितने किसान हैं जिनके घर में 2000 की किस्त आ गई, बताइए किसी के घर में आई है 2000 रुपए की किस्त? बीजेपी के नेता राजनाथ जी ने पूर्णिया में पूछ लिया, देखो ये दिल्ली में कहां कहां रहते हैं इनको पता नहीं, पूर्णिया की सभा में राजनाथ सिंह जी बीजेपी के गृह मंत्री, उन्होंने पूछा आपको तो 2000 रुपया मिल गया होगा, सब लोग हाथ खड़ा करो, कोई हाथ ना खड़ा करे। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं 2000 की किस्त की बात कर रहा हूं, जिस जिस किसान भाई को मिला है अपना हाथ खड़ा करे, कोई हाथ ना खड़ा करे। फिर पीछे से मंच से आया, सर सर ये सवाल मत पूछिए, यहां किसी को नहीं मिला। ये देखिए तीसरा झूठ, ये कहते हैं किसान की आय हम 6 वर्ष में 2 गुना करने वाले। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, 2 गुना आय क्या कौन बुरा कहेगा, बहुत अच्छी बात है कर दो। 6 साल में 2 गुना, यानी कि अगर आज किसान को 100 रुपया मिलता है तो 6 साल में हम उसको 200 रुपया दिलवा देंगे, बहुत बढ़िया बात है साहब। 3 साल हो गए, मैंने पूछा भाई 6 साल में 2 गुना कर दोगे, 3 साल में कितना किया? 150 कर दिया, चलो 150 नहीं 140 कर दिया, 130 कर दिया, अरे भाई 120 भी कर दिया क्या आपने? कुछ तो आंकड़ा बोलो। बीजेपी के तमाम नेताओं से, मंत्री से, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जो खुद आपके बिहार से हैं, इनसे मैंने पूछ लिया, सबको सांप सूंघ गया, कहते 6 साल बाद कर देंगे। मैंने कहा भाई आप कहते हो 6 घंटे में मुझे पटना लेके जाओगे, बहुत अच्छी बात है, 3 घंटा हो गया है अभी भी आप तो गंगा पुल पार नहीं किए हो, तो कैसे मुझे 6 घंटे में पटना लेके जाओगे, कोई तो पूछेगा ना, इतना तो पूछना बनता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इस देश ने अच्छे प्रधानमंत्री देखे हैं, बुरे भी देखे हैं, ईमानदार देखे हैं, बेईमान भी देखे हैं, काम करने वाले भी देखे हैं, निकम्मे भी देखे हैं, ऐसा झूठा प्रधानमंत्री इस देश ने कभी नहीं देखा। सिर्फ झूठ नहीं, आप हर चीज का देखिए, रोजगार कहते हैं 2 करोड़ रोजगार हर साल हम ले आएंगे, अरे भाई कमाल हो गई, बहुत बढ़िया, तो भाई साहब 5 साल में कितने दिए? आंकड़े आ रहे हैं जितना रोजगार था पहले उससे भी कम हो गया, जो था उसको छीन लिया, कहते हो 2 करोड़ देंगे, अरे कोई तो झूठ की सीमा रखो भाई। चलो झूठ बोला कोई बात, बहुत नेता लोग झूठ बोलते हैं, आप थोड़ा ज्यादा ऊंचा बोल देते हो, ज्यादा बड़ा बोल देते हो। पता है प्रचार में इस सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है? पहले 4 साल में इस सरकार ने अपने प्रचार में 4,500 करोड़ रुपया खर्च किया है। अब इतना बड़ा सुन के हमारे तो दिमाग में नहीं आता, 4,500 करोड़ मतलब कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा, चलो 4,500 करोड़ बोल दो वो भी उतना ही बड़ा लगता है, 4,500 करोड़ भी उतना ही लगता है। तो मैंने हिसाब लगाया, ये जो अपना होता है ना फ्लेक्स बोर्ड जैसा, ये लगा हुआ है कन्हैया वाला, समझो ये 10 फुट का हो ऊंचा, ये तो अभी 5-6 फुट का है, समझ लो 10 फुट का ये फ्लेक्स बोर्ड हो, उसको अगर आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरा देश के बॉर्डर तक घुमाते जाएं, कन्याकुमारी से फिर आंध्र प्रदेश होते हुए आसाम तक होके जाएं, फिर चीन के बॉर्डर से आप पूरा घुमाते जाएं, यानी कि भारत के पूरे मानचित्र पे 10 फुट लंबा फ्लेक्स बोर्ड लगा दें, तब भी 4,500 करोड़ रुपया खत्म नहीं हो।
इतना पैसा प्रचार में खर्च किया झूठ फैलाने के लिए दुनिया के सामने इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, प्रचार करने की आदत है, झूठ सारे थोड़ा हल्की जुबान में बोलते हैं, ये थोड़ा ऊंची जुबान में बोल देते हैं। वैसे झूठ बहुत लोग बोलते हैं, आप और मैं जब झूठ बोलते हैं तो थोड़ा सा नीचे की तरफ देखते हैं, भाई साहब ऐसा है वो ना, क्या हुआ ये, ऐसा हुआ वैसा हुआ। एक शरीफ इंसान जब थोड़ा झूठ बोलता है तो उसके मन में थोड़ा सा कचोटता तो है कि भाई मैं गलत बात बोल रहा हूं। जो आंख में आंख डाल के झूठ बोलता है उससे खतरनाक आदमी कोई नहीं है, ये करते हैं। लेकिन इसको भी मैं इतनी बड़ी बात नहीं मानता। सबसे बड़ी बात ये कि झूठ तो बोला, प्रचार ज्यादा किया, उतने से भी बात नहीं बनी तो अब ये देश को तोड़ने पे आ गए। ये अंग्रेजों की नीति थी, हमारे बच्चे किताबों में पढ़ते हैं अंग्रेजों की क्या नीति थी, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की नीति थी। आज भारतीय जनता पार्टी वाले भी यही नीति अपना रहे हैं। 5 साल के बाद परीक्षा का समय आया, पता लगा परीक्षा की तो तैयारी नहीं है, पता लगा फेल कर जाएंगे। जब बच्चे के साथ होता है, बच्चा कहता है मां इम्तिहान देने नहीं जाना, बड़े भाई को कहता है ना तैयारी नहीं है इम्तिहान नहीं देना, भाई कान पकड़ता है, कहता है चुपचाप से पढ़, अभी 5 दिन बाकी है, पढ़ाई कर जाके परीक्षा देना है। लेकिन अगर यही बच्चा हेडमास्टर बन जाए तो क्या होगा, हमारे यहां तो गुरुजन बैठे हैं, बच्चा खुद हेडमास्टर बन जाए तो क्या होगा, कहेगा इस साल गणित और अंग्रेजी की परीक्षा नहीं होगी, इसी दो पेपर में हमारे बच्चे फेल हो जाते हैं, तो गणित और इंग्लिश की परीक्षा इस बार नहीं होगी। वही खेल इस बार देश में हो रहा है, चुनाव आ गए, 5 साल पूरे, जवाब देने का मौका, हिसाब मांगने का मौका, न किसान के लिए कुछ किया, न रोजगार के लिए कुछ किया, अर्थव्यवस्था ठप की, ऊपर से नोटबंदी और लगा दी, जीएसटी में व्यापारी परेशान, महिला परेशान, देश असुरक्षित। ऐसे में इम्तिहान आने वाला है, क्या किया, पेपर बदल दिया, सिलेबस ही बदल दिया, कहा कि छोड़िए इसकी परीक्षा नहीं होगी, अब परीक्षा किसी और चीज की होगी। आज देश ये नहीं गिन रहा है कि किसान को उसकी फसल का दाम मिला के नहीं मिला। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, पुलवामा में कितने लोग मर गए वो गिनो, बालाकोट में कितने आतंकवादियों को मार दिया उसकी गिनती करो, देश में कितने लोग गरीब हैं उसकी गिनती मत करो, वो केरल के अंदर कितने मुसलमान हैं कितने ईसाई हैं इसकी गिनती करो, कैसा देश है। इम्तिहान से पहले पर्चा बदल दिया। और इस देश का मीडिया भी दुर्भाग्यवश ऐसा है कि वो भी उनका गीत गाए जा रहे हैं, उन्होंने पर्चा बदल दिया। अगर ऐसा देख लेंगे तो हमारे बच्चे भी स्कूल में यही मांग करने लगेंगे कि परीक्षा देने जा रहा हूं, पर्चा भी मैं ही बनाऊं और उत्तर भी मैं ही दूं उसका। ये वाला खेल हो रहा है आज इस देश में, चुनाव जीतने के लिए हर चीज को घसीट रहे हैं, फौज का नाम लेके वोट मांग रहे हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों। बालाकोट में हमारी देश की वायुसेना ने, वो आपकी भी वायुसेना है, मेरी भी वायुसेना है, हर पार्टी की वायुसेना है, किसी की भी नहीं है, हमारी वायुसेना ने बालाकोट में जाके आक्रमण किया, जवाब दिया आतंक का। प्रधानमंत्री का फर्ज बनता था, उनका दायित्व तो बनता था कि टीवी पे आते कहते, भारत की जनता को बधाई देते कहते कि यह हुआ है, आपकी वायुसेना ने किया है, मैं वायुसेना को नमन करता हूं, इतना कहते तो ठीक था, मैं कहता कि इतनी उनकी जिम्मेवारी थी। लेकिन क्या किया, उस दिन बाकियों को तो पता नहीं था कि एयरफोर्स का आक्रमण होगा, उन्हें तो पता था ना, कहां थे वो, राजस्थान के चूरू में चुनावी सभा कर रहे थे, और सभा में क्या, पीछे 40 शहीदों की फोटो लगा के, अरे शर्म नहीं आती, शहीदों की फोटो लगा के शहीदों की लाश की ओट में वोट मांगते हो, इससे बड़ा घिनौना काम क्या हो सकता है। वहां खड़े होके कहते हैं मैंने करवाया है, अगर इनकी सरकार होती तो ये नहीं करते, अरे ये कोई मौका है, इस देश की ये तो परंपरा नहीं है, सुरक्षा के सवाल पे, विदेश नीति के सवाल पे इस देश की परंपरा है, सब लोग मिलके सोचते हैं, सब लोग एक साथ बढ़ते हैं।
लेकिन उसको उल्लंघन किया। इनके मंत्री लोग, इनके बड़े बड़े लोग कहते हैं मोदी जी की वायुसेना ने यह कर दिया। पहली बार इस देश के इतिहास में फौज को राजनीति में घसीटा जा रहा है। इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ये पाकिस्तान में हुआ था ये खेल। पहले राजनेताओं ने फौज का इस्तेमाल किया, फिर फौज वालों ने कहा हमें तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम भी जरा साइड में, वो बैठ गया। एक बार ये घिनौना काम आप शुरू करेंगे, इसका कोई अंत नहीं। और इसके साथ दिन रात क्या हो रहा है, आप तो टीवी देख रहे होगे, अखबार में पढ़ रहे होगे, रोज हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हर बात में हिंदू मुसलमान इनको दिखाई देता। बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रवाद। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस देश में अगर कोई राष्ट्रद्रोह है तो हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ा करवाना, उसके बीच में घृणा पैदा करना, हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाना भारत मां के प्रति सबसे बड़ा द्रोह है। और आज वो किया जा रहा है इस देश में। इतने बड़े मुकाबले, इतने बड़े षड्यंत्र का कैसे मुकाबला करना। ये जो आपके यहां भेजा गया है गिरिराज जी को, इसी कामों के लिए भेजा गया है। क्या कहते थे, जो मोदी जी के पक्ष में नहीं है वो पाकिस्तान चले जाए। अरे तुम कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाले, यानी कि इस देश में तुम हो मकान मालिक, बाकी हम सब किराएदार इस देश के। ये मानसिकता कहां से आती है। अरे मेरे दो देश में अगर कोई अंतर होगा और अगर मैं सच्चा देशभक्त हूं तो मैं इनको, अगर इनसे मेरा मतभेद है तो मैं कहूंगा भाई लड़ेंगे हम एक दूसरे के साथ, लेकिन एक देश के अंदर। अगर इनके मुंह से कोई बात फिसल जाए तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, मेरा देश का भाई है, मेरे साथ है, बाकी हमारा झगड़ा है लेकिन वो नहीं। लेकिन अगर मेरे को देश की चिंता नहीं होगी तो मैं कहूंगा कि जाओ पाकिस्तान में, जाओ वहां पे, क्योंकि मेरे को देश की चिंता नहीं। आज ये जो दिन रात देशभक्ति की बात करते हैं, इन्हें देश की चिंता नहीं। गिरिराज जी जैसे लोग जो कहते हैं चले जाओ पाकिस्तान में, इन लोगों को भारत मां की चिंता नहीं। नाम हिंदू धर्म का लेते हैं, इनको हिंदू धर्म से वही वास्ता है जो मोहम्मद अली जिन्ना को इस्लाम से था, यानी कि कोई वास्ता नहीं था, सिर्फ उसके नाम पे वोट लेना, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे कि कब बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बस चुनाव से पहले आएंगे, वोट मांगने आएंगे, पुराना धंधा है इनका, यही काम करने के लिए गिरिराज जी यहां है। वैसे सुनते हैं आने से पहले बड़े घबराए हुए थे, पार्टी ने टिकट दे दी, 3 दिन दिल्ली छोड़ा नहीं, अरे मुझे कहां फंसवा रहे हो, मेरी मन की बात नहीं है, अखबारों में छपी है, 3 दिन तक दिल्ली में बैठे रहे, अरे मुझे मत भेजो वहां पे, कहीं और भेज दो, कहीं और की टिकट दे दो। तो नाम तो गिरिराज है, करवा के आए हैं कि हमको हार जाएंगे तो राज्यसभा दे दीजिएगा, सभा अपना सेटिंग करके आए। ये गिरिराज जो है, ये पर्वत तो शुरू से ही कांप रहा है, गिरिराज तो वो होना चाहिए ना स्थिर, ये तो शुरू से कांपता हुआ पर्वत है, काय का पर्वत है भाई, गिरगिट राज है। ऐसे में विपक्ष का क्या दायित्व बनता था, विपक्ष का दायित्व बनता था कि ऐसी लड़ाई में एक ऐसे साथी को खड़ा करे जो कि इसका मुकाबला कर सके, और वो साथी बेगूसराय में कन्हैया था, जिसके बारे में पूरा देश जानता था। जैसा आपने कहा, मोदी जी की आंख में आंख डाल के सच्चाई की बात बोल सकने का आज हिम्मत किसी ने दिखाया नई पीढ़ी में तो कन्हैया कुमार ने दिखाया। सारे विपक्ष का दायित्व बनता था कि आके खड़े हो जाएं कन्हैया कुमार के साथ, कहें भाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ हम कर नहीं सकते, मेरे जैसे लोग हम भी यही कर रहे हैं ना कि भाई मेरे बस में और कुछ नहीं है, पर हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, कहोगे तो दो जगह जाके भाषण दे देंगे।
ये दायित्व था लालू प्रसाद यादव जी का, ये दायित्व था कांग्रेस पार्टी का, ये दायित्व था पूरे विपक्ष का कि ये काम करते। और क्या किया, इनके मुकाबले एक और उम्मीदवार खड़ा कर दिया। मुझे राजद के एक नेता दिल्ली में मिल गए, कभी कभार टकरा जाते हैं टीवी स्टूडियो में। मैंने पूछा, भले मानस तुम्हारी मती मारी गई है, बाकी सब जगह किया तो किया, बेगूसराय में कन्हैया के खिलाफ तुमने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, मती मारी गई है तुम्हारी, खुद तो हारोगे और उसके लिए परेशानी और करोगे। तो पता है क्या जवाब दिया, नाम नहीं लूंगा इसलिए बेचारे का, कहता योगेंद्र जी बात तो सही कह रहे हो, क्या करें, ये जो है ना हमारा कैंडिडेट, ये धमकी दे रहा था कि अगर मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं नीतीश बाबू से टिकट ले आऊंगा, और इसके चक्कर में हमारा 3 या 4 लाख पता नहीं कितना मुस्लिम